SW24 न्यूज की खबर का असर टीकमगढ़ जिले के दिगोड़ा में दिखाई दिया। सब रेंज की विट कोडिया में कुछ लोगों के द्वारा जंगल काटा जा रहा था, जिस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिससे टीकमगढ़ वन मंडल अधिकारी APF सेंगर ने खबर को गंभीरता से लेते हुए जंगल को काट रहे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की बात कही है। उप वन मंडल अधिकारी SP साक्य को निर्देशित किया कि जो लोग जंगल काट रहे हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्यवाही की जाए। उप वन मंडल अधिकारी SP साक्य और डिप्टी रेंजर BN तिवारी जहां पर जंगल को काटा गया वहां पर पहुंचकर सूत्रों के मुताबिक एकत्रित और करीब 10 पर वन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई, तथा डिप्टी रेंजर BN तिवारी ने कहा कि जो भी मेरी बीट में वनों को काटेगा तथा वन संपदा को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाएगा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा भविष्य में वन विभाग के द्वारा जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण शक्ति बरती जाएगी। इस न्यूज के असर के टीकमगढ़ वन मंडल में जहाँ जहाँ भी जंगलों काटा जा रहा था वहां पर भी वन विभाग के अधिकारी द्वारा कार्यवाही होने लगी। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अभय शुक्ला की रिपोर्ट। सर, जो बनगाय ग्राम के पास जंगल में कुछ लोगों ने उसे काटने थोड़ा बहुत काटा भी है और कोशिश की गई थी, उन लोगों पर आपके विभाग द्वारा वन विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई? जब मैं सुबह जंगल में पहुंचा, जो रात में अज्ञात लोगों ने कटाई की थी, जब मैं सुबह पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग कटाई के लिए लगे हुए थे। जब मैं वहां गया तो मैंने उन लोगों को देखा और वहां से भगाया और उन लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और वैधानिक कार्रवाई की गई। लेकिन जो लोग अज्ञात लोग जिन लोगों ने कटाई की थी हम उनकी भी तलाश कर रहे हैं, सूत्रों से जानकारी मिला रहे हैं और जानकारी मिलने के पश्चात उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि कारी के जंगल का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था कि कुछ लोगों ने जंगल के कुछ कीमती पेड़ों को काट दिया है, उन आपके विभाग द्वारा ऐसे तत्वों पर जो जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या कार्रवाई की गई? जो वीडियो वायरल हुआ था उसकी जांच के लिए श्रीमान उप वन मंडल अधिकारी टीकमगढ़ और मुख्य वन संरक्षक महोदय छतरपुर के द्वारा उड़नदस्ता दल को भेजा गया था, उसके द्वारा उसकी जांच की गई है। जाँच के दौरान जो भी ठूट मिले हैं उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है और अपराधियों की धरपकड़ जारी है। जो वीडियो वायरल हुआ था वो बीट बेलगाय में आता है, उसकी कार्रवाई बीट प्रभारी बेलगाय के द्वारा की गई है और जो कारी नंबर 2 बीट है जो उसमें आता है जंगल उसके ऊपर का प्रकरण मैंने पहले ही पंजीबद्ध कर रखा था, जिसका प्रकरण नंबर 424/11 है और अपराधी से माल जब्त कर लिया गया है लेकिन अपराधी पकड़ से बाहर है, उसकी वो फरार है, उसको पकड़ने की कोशिश जारी है। वर्तमान में जो भी वन संपदा वन को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके ऊपर भारतीय वन अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अपराधी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। विभाग के द्वारा कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? वन विभाग के लोगों द्वारा जो है जिन लोगों ने अपराध किया है, जो गांव की बेचारी भूली वाली जनता है, आदिवासी समाज एवं अन्य समाज के लोगों द्वारा जो है दबंगों के बहकाने में आने पर उन बेचारी गरीब जनता द्वारा जो है आदिवासियों द्वारा अन्य समाज हरवा समाज के लोगों द्वारा जो है कुशवाहा उसमें पाल लोग भी हैं सामूहिक रूप से जंगल में वो आ गए। तो मेरे द्वारा एवं मेरे छोटे कर्मचारियों द्वारा एवं अन्य बाहर की फोर्स द्वारा उन लोगों को समझा बुझा कर आदिवासी भाइयों को जंगल से भगाया गया और जिन लोगों ने नुकसान किया था मेरे जंगल का उनके ऊपर लगभग 9-10 आदमियों के ऊपर कार्रवाई की गई, अन्य सामूहिक लोग भी, और वैधानिक कार्रवाई जो हम लोगों की होती है उन पर PUR प्रकरण दर्ज भी किया गया और पुलिस थाना मोहनगढ़ में उनके ऊपर FIR दर्ज भी करवा दी गई। भविष्य में अगर कोई वन पर कब्जा करता है या काटता है या जंग पहाड़ों से खंडे खोदते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जो शासन का नियम है, शासन के नियम अनुसार ट्रैक्टर वालों पर, खंडा खुदेने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा या मेरे विभाग के द्वारा कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।